तुम्हारी शादी हो गई? जी बाबा। 3 साल हो गए शादी को? जी। हाँ, घर वाला मारता पीटता है, आया पता है। संतान कितनी है? अभी तक संतान नहीं है? आप बाबा के पास आ गई हो तो संतान भी हो जाएगी। ये बताओ कि तुम्हारा पति तुम्हें खुश तो रखता है ना? जी खुश रखता है, बस बेबी की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सेकंड। हो, तुम्हारा उपाय मिल गया। क्या बाबा? मुबारक हो, इसी वर्ष तुम्हें एक औलाद होगी। सच बाबा? और बाबा की कृपा रही तो वो भी लड़का। लेकिन एक छोटा सा उपाय करना होगा। बाबा उपाय क्या होगा? उपाय बहुत होगी, मैं करूंगी। उपाय बहुत सरल है बालिके। देखो, शनिवार इतवार को मेरे पास आना, और वो भी अकेले। और सुनो, ये बात अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे संतान कभी नहीं होगी। नहीं बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सोच लो। जी बाबा। संतान चाहिए, ये बात अपने पति तक को नहीं बतानी, वरना अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे साथ। बाबा उनसे कैसे छुपाऊंगी? देख लो, संतान चाहिए या पति? दोनों। दोनों? तो शनिवार इतवार को मेरे पास आना होगा, ठीक है? जी बाबा। आज क्या है? शनिवार। जी बाबा। आज से ही तुम्हारा उपाय चालू। और देखो, ये माला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे अपने गले से कभी अलग मत करना, और मुझे भी कभी अलग मत करना। वाह बालिके, सुंदर, अति सुंदर, संतान तो तुम्हें अवश्य होगी, किंतु लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। क्यों बाबा? क्यों? क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चले तो जिंदगी में तुम्हें संतान नहीं होगी। नहीं बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि अपने पति तक को नहीं बताने। बाबा पति से भी? हाँ, फिर देखो, तुम खुश, मैं भी खुश, तुम्हारी पति भी खुश। बाबा संतान तो हो जाएगी ना? बाबा से भरोसा नहीं है? बाबा पे नहीं भरोसा है, तभी मैं आपके पास आई हूँ। जो तुमसे पहले तुम्हारी सहेली आई थी ना, आज उसके 4-4 बालक हैं। सच बाबा? बाबा की कृपा से तुम्हारे एक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना? आ जाओ। बाबा आपने 2 बोले थे अभी। फिलहाल एक से तो काम चलाओ। ठीक है, आ जाओ।